शुक्रवार को ज्यूरिस एक्सिस ने नारेडको हरियाणा के साथ मिलकर रेरा से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में रियल एस्टेट एवं उद्योग जगत से जुड़े कई बड़े नामों ने शिरकत की और रेरा से जुड़े कई अहम सवालों का जवाब भी दिया। रेरा एक ऐसा कानून है जिससे कि बिल्डर और इन्वेस्टर दोनों के हित का पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि जो कुछ पहले होता था कि इन्वेस्टर को ये नहीं पता होता था कि उसके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, वो अब नहीं होगा। अब इन्वेस्टर के हक पूरी तरह प्रोटेक्ट करे गए हैं। जिसने धोखा करना वो तो कर ही सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अब वो धोखा कम होगा, लेकिन अभी भी एक्ट में और रूल्स में बहुत सारी गलतियाँ हैं जो ठीक करनी पड़ेगी, जो आज हमने इसमें डिस्कस करी और आगे डिस्कस होंगी। वर्कशॉप में हरियाणा रेरा के डायरेक्टर दिलबाग सिंह सिहाग, जस्टिस श्री राजीव भल्ला और डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानर आरएस भट्ट ने भी शिरकत करी। ऐसे है कि जी, रेरा के ये फर्स्ट अच्छा सेमिनार हुआ है, जिसमें कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को बुलाया गया है उनके व्यूज़ लेने के लिए, उनको समझाने के लिए भी। एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव किया है और इस इनिशिएटिव से एक स्टार्ट अच्छा हुआ है, एंड डेफिनेटली उसमें कोई भी अमेंडमेंट्स होनी है विद ग्राउंड सिचुएशन होती रहेंगी। अभी लोगों की ग्रीवियंसेस ही इतनी है कि जी वो शायद उनको अभी फेथ कम है, बट डेफिनेटली जब ऐसे सेमिनार्स होंगे, स्टेक होल्डर मीटिंग्स होंगी, पब्लिक ग्रीवियंसेस में उनको समझाया जाएगा, तो डेफिनेटली उनके भी व्यूज़ अगर कुछ होंगे जो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो करने चाहिए, और अदरवाइज रेरा एक अच्छे गाइडलाइन ही फॉर्मुलेट हुई है। इस वर्कशॉप में कुल मिलाकर 2 सत्र थे। पहले सत्र में रियल एस्टेट मार्केट पर रेरा के प्रभाव के ऊपर चर्चा करी गई और साथ ही साथ ये भी चर्चा करी गई कि रियल एस्टेट मार्केट में रेरा की क्या भूमिका रही। दूसरे सत्र में ये चर्चा करी गई कि वकालत के जरिए घर खरीदार किस तरह से अपने सपनों के आशियाने को बचा सकते हैं। हाँ, जो आज का इवेंट था, इसका मेन ये पर्पस था कि जितने डेवलपर्स, होम बायर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, इन सबको 250 लोगों को नेटको हरियाणा ने बुलाया था, और ये शक दूर करने के लिए कि जो नया कानून गवर्नमेंट ने बनाया है रेरा और जीएसटी, ये देश के फायदे के लिए है। आज का जो रेरा का इवेंट रहा वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा रेरा का रोड मैप डिफाइन करने के लिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स हुए हैं उसमें रेरा के प्रोविजंस को डिस्कस किया गया था, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हाई कोर्ट से ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस राजीव भल्ला जी वाज हियर, हु इज चेयरमैन ऑफ पंजाब रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिन्होंने कि बहुत ढंग से रेरा की खामियों का खुलासा किया और बताया कि कहाँ कहाँ पर अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जूरी सेक्सिस की तरफ से हमारे एक्सपर्ट्स ने भी इस बात पे प्रकाश डाला कि रेरा एक्चुअल में जो बेनिफिट्स पास ऑन होने हैं वो किस तरह से पास ऑन हो पाएंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने आज इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है उनका तो डेफिनेटली हो जाएगा, और वो जिसको भी मैसेज कन्वे करेंगे हमारे पैनलिस्ट का, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। वर्कशॉप खत्म होते होते बहुत से लोगों को रेरा से जुड़े जो उलझने थी वो सुलझ गई। रियलिटी मीडिया नारेडको द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप का मीडिया पार्टनर था रियलिटी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।